नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है मुगल चित्रकला। तो छात्रों, मुगलकालीन जो चित्रकला है, मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का काल कहलाता है तथा मुगल काल में विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ। छात्रों, जो मुगलकालीन चित्रकला है इसका प्रारंभ हुमायूं से माना जाता है, परंतु इसका सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो मुगल बादशाह जहांगीर के समय में हुआ। और मुगलकालीन जो चित्रकला है, मुगलकालीन चित्रकला का पतन औरंगजेब के काल के अंदर हुआ। छात्रों, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास के अंदर सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, जबकि 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का जो समय है ये मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में ही जो मुगलकालीन चित्रकला का विकास हुआ और छात्रों, जो मुगलकालीन चित्रकला के अंदर अनेक प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ, इसमें ये हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां के समय के अंदर विभिन्न चित्रों का इसमें निर्माण हुआ। तो छात्रों, जो ये चित्र है, जो चित्रकला है मुगलकालीन, तो इसका प्रारंभ, तो मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ तो मुगलकालीन जो चित्रकला है छात्रों, इसका प्रारंभ होता है हुमायूं के शासनकाल के अंदर, हुमायूं के समय मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ होता है। मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगलकालीन जो चित्रकला है इसका स्वर्ण काल कहलाता है जहांगीर का काल, जहांगीर का काल या जहांगीर का समय, जहांगीर का समय। तो मुगलकालीन चित्रकला है इसका जो समय कहलाता है छात्रों, स्वर्ण काल कहलाता है। किसका काल कहलाता है? जहांगीर का समय, जो मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। मुगलकालीन चित्रकला का पतन, मुगलकालीन चित्रकला का पतन औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने इस्लाम के विरुद्ध मुगल चित्रकला को माना, चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर, और चित्रकला जो चित्र थे चित्रों पर चूना पुतवा दिया, चित्रों को समाप्त करवा दिया, नष्ट करवा दिया। किसने करवाया? ये औरंगजेब ने। छात्रों, जो मुगल चित्रकला है, मुगल चित्रकला का प्रारंभ कहां से होता है? ये हुमायूं के समय में होता है। तो छात्रों, हम हुमायूं से लेकर और औरंगजेब तक के कौन कौन से चित्रकार थे, उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए तथा किस प्रकार चित्रकला का विकास हुआ, किस प्रकार मुगल चित्रकला का विनाश हुआ, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, बाबर ने 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत के मैदान के अंदर सल्तनतकालीन शासक, जो अफगान शासक थे इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी को बाबर ने जो युद्ध मैदान के अंदर पराजित किया था। युद्ध में लड़ते हुए इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और 1526 ईस्वी के अंदर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही चित्रकला का विकास भी प्रारंभ होता है। परंतु बाबर चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया, परंतु बाबर की जो पुस्तक है बाबरनामा, जिसे तुजुके बाबरी भी कहा जाता है, उसमें बिजहाद नाम के चित्रकार का उल्लेख मिलता है। तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जिसे तुजुके बाबरी भी कहा जाता है, तुजुके बाबरी में बिहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है।
बिचहाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। बिचहाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है हुमायूं, बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं इसके समय मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ। मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ इसके समय में मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ। हुमायूं के समय मीर सैयद अली व अब्दुल समद नामक चित्रकार थे अकबर अबुल फजल के ग्रंथ आईन ए अकबरी, जिसे अकबरनामा भी कहा जाता है, के अनुसार पंद्रह प्रमुख चित्रकार थे, जिनमें 13 हिंदू चित्रकार गए, दो मुस्लिम चित्रकार मीर सैयद अली व अब्दुल समद, जो हुमायूं के समय में भी थे, मीर सैयद अली व अब्दुल समद थे। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में उच्च कोटि के निम्न कोटि के चित्रकार निवास करते थे।
अकबर ने रामायण, महाभारत, रामायण, कालियादमन, कालियादमन, तैमूरनामा, बाबरनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, रजबनामा, 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 धर्मनामा ग्रंथों को चित्रित करवाया। धर्मनामा ग्रंथों को चित्रित करवाया। अकबर के दरबार में ताराचंद, महेश, लाल मुकुंद, दशवंत, सावलदास, केशव, बसावन, जैसे प्रमुख चित्रकार निवास करते थे, दशवंत ने अकबर के समय रजबनामा चित्रित किया। विक्षिप्त हो जाने के कारण इसने 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर दी। छात्रों, मुगलकालीन जो चित्रकला है, मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के समय माना जाता है तथा मुगलकालीन जो चित्रकला का स्वर्ण काल है वो एक जहांगीर का काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जहांगीर के समय मुगलकालीन चित्रकला के अंदर भारी विकास हुए तथा अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ। मुगलकालीन चित्रकला का पतन औरंगजेब का काल माना जाता है। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानकर इस चित्रकला को समाप्त करवा दिया। जो निर्मित चित्र थे उन पर चूना पुतवा दिया, उनको नष्ट करवाया। बाबर ने 1526 ईस्वी के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और बाबर ने एक ग्रंथ लिखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर की आत्मकथा बाबर नामा तथा तुजुक ए बाबरी के नाम से जानी जाती है। इसे बाबर की आत्मकथा में बिजहाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। किस चित्रकार का उल्लेख मिलता है? बिजहाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। परंतु बाबर के समय चित्रकला का विकास अर्थात मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ नहीं हो पाया।
हुमायूं बाबर के बाद में हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के समय के अंदर दो प्रमुख चित्रकार थे, मीर सैयद अली। पहला चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली तथा दूसरा था अब्दुल समद। तो दो प्रमुख चित्रकारों का जो हमें पता चलता है हुमायूं के समय में था मीर सैयद अली तथा दूसरा था अब्दुल समद। अकबर के समय के अंदर चित्रकला के अंदर भारी प्रगति हुई इसमें, और अबुल फजल नाम का जो विद्वान है, अबुल फजल अकबर का नवरत्नों में से एक था। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने जो आईन ए अकबरी नामक ग्रंथ लिखा, जिसे अकबर नामा भी कहा जाता है। तो आईन ए अकबरी नामक ग्रंथ के अंदर उसने जो 15 जो हिंदू चित्रकारों का जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, 15 चित्रकारों का उसने उल्लेख किया, जिसके अंदर से 13 हिंदू चित्रकार थे तथा 2 कौन थे? मुस्लिम चित्रकार थे। तो छात्रों 13 हिंदू चित्रकार तथा 2 मुस्लिम चित्रकार थे। मुस्लिम चित्रकारों में कौन थे? मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद। ये मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद हुमायूं के समय के अंदर भी जो चित्रकारी करते थे। तो चित्रकारी कब करते थे? ये हुमायूं के समय भी इन्होंने चित्रकारी की, और ये अकबर के समय में भी ये प्रमुख चित्रकार थे। तो इस प्रकार से छात्रों जो अकबर के समय के अंदर चित्रकला के अंदर भारी विकास हुआ, और अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल ने जो ग्रंथ लिखा है आईन ए अकबरी, जिसे अकबर नामा भी कहा जाता है, उसके अनुसार अकबर के दरबार में 100 उच्च कोटि के चित्रकार निवास करते थे तथा निम्न कोटि के कई जो चित्रकार जो अकबर के दरबार के अंदर निवास करते थे। तो ये बात कौन बताता है? अबुल फजल है, अकबर का नवरत्न है। ये बात बताता है कि अकबर के दरबार में 100 उच्च कोटि के वे अनेक निम्न कोटि के चित्रकार जो निवास करते थे। अकबर ने रामायण कालिया दमन तैमूर नामा बाबर नामा रज्जब नामा गर्भ नामा ग्रंथों को चित्रित करवाया। अकबर द्वारा जो ग्रंथ थे रामायण नामक ग्रंथ है उसे चित्रित करवाया, रज्जब नामा जो ग्रंथ है उसे चित्रित करवाया, तैमूर नामा ग्रंथ को, बाबर नामा ग्रंथ को, दरब नामा ग्रंथ को, इन ग्रंथों को चित्रित करवाया। अर्थात इन ग्रंथों के अंदर जो घटनाओं का उल्लेख था उन घटनाओं के उल्लेख को उसने चित्रित करवाया। तो छात्रों अकबर के दरबार के अंदर जो हिंदू चित्रकार थे, हिंदू चित्रकारों के अंदर ताराचंद, महेश, लाल मुकुंद, दसवंत, बसावंत, श्यामलदास, केशव जैसे प्रमुख चित्रकार निवास करते थे। तो कौन कौन से चित्रकार निवास करते थे छात्रों अकबर के दरबार में? ये थे ताराचंद, महेश, लाल मुकुंद, दसवंत, बसावंत, श्यामलदास, केशव जैसे प्रमुख चित्रकार जो अकबर के दरबार के अंदर ये निवास करते थे। छात्रों दसवंत नाम का जो चित्रकार था, दसवंत नामक चित्रकार ने रज्जब नामा जो ग्रंथ था, रज्जब नामा ग्रंथ को चित्रित किया। किस ग्रंथ को चित्रित किया? रज्जब नामा ग्रंथ को दसवंत नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया। परंतु ये जो था ये विक्षिप्त हो गया। दसवंत क्या था आखिर के अंदर? ये विक्षिप्त हो गया था, और 1584 ईस्वी के अंदर जो दसवंत था, दसवंत ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से छात्रों जो अकबर के समय के अंदर चित्रकला का जो विकास हुआ अभूतपूर्व विकास हुआ। परंतु छात्रों जो मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, जहांगीर का काल कहलाता है। किसका काल कहलाता है? जहांगीर का काल। जहांगीर के काल के अंदर, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का भारी विकास हुआ। तो छात्रों जहांगीर कालीन जो चित्रकला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर है। जहांगीर के समय जो मुगल चित्रकला के अंदर भारी प्रगति हुई, भारी विकास हुआ। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार फर्रुख बेग
अकाल जा बिशन दास अकालीजा बिशन दास मुराद दौलत मनोहर दौलत मनोहर अबुल हसन अबुल हसन नादिर नादिर माधव थे। छात्रों जो प्रमुख चित्रकार था फरुख बेग इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। उस्ताद मंसूर यह चित्रकार पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था। बनाने में निपुण था पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था अबुल हसन यह चित्रकार व्यक्तियों के चित्र बनाने में निपुण था। यह चित्रकार व्यक्तियों के चित्र बनाने में निपुण था। जहांगीर के शासनकाल में शिकार दरबार के दृश्य विवाह स्त्रियों के चित्र जन्मोत्सव दरबार पशु पक्षियों के चित्र पशु पक्षियों के चित्र प्रमुख रूप से बने अबुल हसन नामक चित्रकार ने
ड्यूटर के संत पॉल की तस्वीर की नकल बनाई। तस्वीर की तस्वीर की नकल बनाई। अंग्रेज राजदूत टॉमस रो ने एक विदेशी चित्र भेंट किया। एक विदेशी चित्र जहांगीर को भेंट किया। जहांगीर को भेंट किया भारतीय चित्रकारों ने। भारतीय चित्रकारों ने उस चित्र की ऐसी नकल बनाई कि टॉमस रो अपने चित्र को नहीं पहचान सका। टॉमस रो अपने द्वारा दिए गए चित्र को नहीं पहचान सका। अपने द्वारा दिए गए चित्र को नहीं पहचान सका। छात्रों, जो जहांगीर का शासन काल है, जहांगीर का शासन काल मुगल कालीन जो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, और जहांगीर के समय जो प्रमुख चित्रकार थे, जहांगीर के समय फारूक बेग, अतारीजा, बिशन दास, मुराद, दौलत, मनोहर, अबुल हसन, नादिर, माधव, ये प्रमुख चित्रकार थे। कौन कौन थे छात्रों? फारूक बेग, अतारीजा, बिशन दास, मुराद, दौलत, मनोहर, अबुल हसन, नादिर, माधव, ये जहांगीर के दरबार के अंदर निवास करते थे और ये प्रमुख चित्रकार थे। और छात्रों, फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह, बीजापुर का सुल्तान कौन था? आदिल शाह। तो आदिल शाह का चित्र बनाया, आदमगढ़ चित्र बहुत बड़ा इसने, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का आदमगढ़ इसने चित्र बनाया। उस्ताद मंसूर नाम का जो चित्रकार था, यह पशु पक्षियों के जो चित्र थे, अर्थात जो पशु पक्षियों के चित्र हैं, उन चित्रों को बनाने में, ये पक्षियों के चित्र बनाने में, विशेषकर ये पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था। साथ ही छात्रों, अबुल हसन नाम का जो चित्रकार था, अबुल हसन नाम का चित्रकार व्यक्तियों के चित्र बनाने में यह अत्यंत ही निपुण था। जहांगीर के समय के अंदर जो ये चित्रकार थे, ये इन चित्रकारों ने जो शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकार थे, इन चित्रकारों ने शिकार के चित्रों को बनाया तथा दरबार के दृश्यों के चित्रों को इन्होंने बनाया। साथ ही इन्होंने विवाह, स्त्रियों के चित्र, जन्मोत्सव, पशु पक्षियों के चित्र प्रमुख रूप से बने। जहांगीर के समय में प्रमुख जो चित्र बने वो कौन से थे? शिकार के चित्र बने, दरबार के दृश्यों के चित्र बने, स्त्रियों के जो चित्र बने, जन्मोत्सव के चित्र बने, विवाह के चित्र बने, अर्थात विवाह जो हो रहा है, विवाह, संपूर्ण विवाह को चित्रों के माध्यम से उकेर दिया गया है, तो विवाह के भी ये चित्र बने। अबुल हसन नाम का जो चित्रकार था, व्यक्तियों के चित्र बनाने में अत्यंत ही निपुण था, और अबुल हसन नाम के चित्रकार ने एक ऐसा, अबुल हसन नाम के जो चित्रकार थे, उसने ड्यूटर के संत, जो ड्यूटर का संत था पॉल, कौन था? ड्यूटर का संत पॉल था, तो जॉन पॉल। ड्यूटर के संत का क्या नाम था? जॉन पॉल। तो ड्यूटर के संत जॉन पॉल। तो ड्यूटर का संत कौन था? जॉन पॉल। तो जॉन पॉल का
तो इसने एक चित्र बनाया। इसके साथ ही जब जहांगीर के दरबार के अंदर व्यापार के अनुमति मांगने के लिए अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो, अंग्रेज राजदूत कौन था, सर टॉमस रो आया, तो उसने जहांगीर को एक विदेशी चित्र भेंट किया। जहांगीर ने वो चित्र अपने चित्रकारों को दिखाया और भारतीय चित्रकारों ने उस चित्र की नकल बनाना प्रारंभ किया और नकल बनाकर उसे सर टॉमस रो के सामने प्रस्तुत किया। तो जब दोनों चित्र सर टॉमस रो द्वारा दिया गया चित्र था, भारतीय चित्रकारों द्वारा जो नकल बनाया गया जो चित्र था, उस चित्र की नकल की गई, वो दोनों चित्र जब दिए गए तो ऐसे समय में वो जो टॉमस रो अपना स्वयं का जो चित्र था वो पहचान भी नहीं पाया। तो इस प्रकार के जो चित्रकार थे ये क्या है कि जहांगीर के समय के अंदर थे। छात्रों, जहांगीर के बाद में हम जो अगले जो चित्रकार हैं उस चित्रकार के बारे में, अगले जो शासक हैं कौन है, शासक शाहजहां के शासनकाल के चित्रकार कला के बारे में अध्ययन करते हैं। शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला का उतना विकास नहीं हुआ जितना जहांगीर के समय हुआ। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, मुगल स्थापत्य कला का शाहजहां के समय प्रमुख चित्रकार चित्रमणि अनूपचित्र मीर हासिम मुराद फकीरुल्ला थे। औरंगजेब मुगल चित्रकला का पतन औरंगजेब के समय हुआ। चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर चित्रों पर चूना उतरवा दिया चित्रों पर चूना उतरवा दिया। छात्रों,
शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला का उतना विकास नहीं हुआ जितना जहांगीर के काल में हुआ था, और शाहजहां स्थापत्य कला प्रेमी शासक था, उसने स्थापत्य की तरफ अधिक ध्यान दिया। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है वो शाहजहां का काल कहलाता है। तो मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो शाहजहां का काल कहलाता है। परंतु फिर भी इसके समय के अंदर जो चित्रकला जीवित रही, तो छात्रों तो इसके प्रमुख चित्रकार थे चित्रमणि, अनूप चित्र, मीर हासिम मुरार और फकीर उल्ला, ये जो शाहजहां के शासनकाल के अंदर प्रमुख जो चित्रकार थे। परंतु छात्रों शाहजहां ने स्थापत्य कला की तरफ ध्यान दिया, जिसके कारण क्या है कि चित्रकला का पतन प्रारंभ हो गया। छात्रों अब जो वास्तविक रूप से चित्रकला का जो पतन प्रारंभ होता है, पतन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये होता है औरंगजेब के शासनकाल से। मुगलकालीन चित्रकला का पतन प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना और जो चित्र बनाए गए थे उन सभी चित्रों पर उसने चूना उतवा दिया। तो इस प्रकार से औरंगजेब ने ये कार्य किया। छात्रों जो मुगल काल के अंदर जो प्रमुख चित्रकार थे, उन चित्रकारों ने कुछ प्रमुख चित्र बनाए, तो उन चित्रों के बारे में हम देखते हैं, चित्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से चित्रकारों ने कौन कौन से चित्र बनवाए। तो कुछ चित्रकार ऐसे थे जिनके जो चित्र हैं वो चित्र अत्यंत ही प्रमुख हुए, प्रसिद्ध हुए, तो उन चित्रों के बारे में हमें देखते हैं। तो बसावन नाम का चित्रकार था। इस चित्रकार ने कृष्णकाय घोड़े पर मजनू का, इस चित्रकार ने कृष्णकाय घोड़े पर मजनू का निर्जन वन में भटकते हुए का चित्र बनाया। उस्ताद मंसूर बंगाल का अनोखा पुष्प व साइबेरिया का बिरला सारस नामक चित्र बनाया। फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। अबुल हसन तुझु के जहांगीर की आत्मकथा का चित्र बनाया। का चित्र बनाया
अबुल हसन व उस्ताद मंसूर। अबुल हसन व उस्ताद मंसूर। चिनार के पेड़ पर हसन की गिलहरियों का चित्र है। चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र है। बनाया चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र बनाया। छात्रों इस प्रकार से जो बसावन नाम का जो चित्रकार था, इस चित्रकार ने एक कृष्ण काय घोड़े पर मजनू निर्जन वन के अंदर भटक रहा है तो उसका वो चित्र बनाया। साथ ही उस्ताद मंसूर ने बंगाल का अनोखा पुष्प तथा साइबेरिया का जो बिरला सारस है उसका चित्र बनाया। फरुख बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का आदमकद चित्र बनाया। अबुल हसन ने जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी का तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया। मुख्य पृष्ठ का क्या किया इसने, चित्र बनाया। उस्ताद मंसूर हुए अबुल हसन ने चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों के चित्र बनाए। तो इस प्रकार से छात्रों ये मुगल कालीन जो चित्रकला है, मुगल कालीन चित्रकला का प्रारंभ होता है हुमायूं के समय से तथा अकबर के समय में इसका विकास होता है। और जो इसका जो स्वर्ण काल है मुगल कालीन चित्रकला का, स्वर्ण काल जहांगीर का काल कहलाता है तथा इसका जो शाहजहां के काल के अंदर भी जो ये मुगल कालीन चित्रकला जीवित रहती है, परंतु औरंगजेब मुगल चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर इस पे जो बने चित्र बनाए गए थे उन चित्रों पे चूना पुतवा देता था। इस प्रकार से मुगल कालीन जो चित्रकला है हुमायूं से प्रारंभ होती है और इसका स्वर्ण काल जहांगीर का काल कहलाता है और इसका जो पतन होता है वो औरंगजेब का समय होता है। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।